कृष्णा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कितनी माता हैं, तो आप बोलेंगे एक, या कोई बोलेगा दो या तीन। हमारी माता धरती माता और गो माता। लेकिन शास्त्रों में वर्णित है कि हमारे सात माता है। हाँ हाँ, आपने सही सुना, सात। एक सुंदर श्लोक है जिसमें हमारी सात माताओं का वर्णन किया है। मैं आपको वो श्लोक बताता हूँ। आत्मा माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजा पत्नी का धेनुर धात्री तथा पृथ्वी सप्तैत मातर स्मृत। आत्मा माता यानी हमारी माता जिसने हमको जन्म दिया है। गुरु पत्नी यानी गुरु माता। पहले के समय बच्चे गुरुकुल जाते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वहाँ पर बच्चों का खाना पीना पालन पोषण सब गुरु माता करती थी, इसलिए वो हमारी माता समान हुई। राजा पत्नी का यानी हमारी रानी। राजा अपने प्रजा का पालन पोषण करते हैं, जैसे एक पिता अपने बच्चों का। और राजा हमारे पिता समान हुए और रानी हमारी माता। ब्राह्मणी यानी ब्राह्मण की पत्नी। ब्राह्मण हमें वेदों का ज्ञान देते हैं और भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाते हैं और वो हमारे पिता समान हुए और ब्राह्मणी हमारी माता। धेनुर यानी गौ माता। आप सबको तो पता ही है गैया हमें दूध देती है, तो वो हमारी माता हुई। धात्री यानी दाई माँ। वो हमारी माता को हमें बड़ा करने में मदद करती है, इसलिए वो हमारी माता हुई। तथा पृथ्वी धरती माँ। धरती माँ तो हमें खाना पीना प्रदान करती है, इसलिए वो हमारी माता हुई। तो है ना हमारी सात माताएं। तो चलो रिवीजन करते हैं। हमारी माँ गुरु पत्नी ब्राह्मणी रानी गैया दाई माँ और हमारी धरती माँ। हरे कृष्णा।